Yes, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, those who have joined, please write your attendance in the chat box. Okay, so we'll continue with the numerical. Okay, so in the morning session, we had completed till the design of the heel slab, right? So this was the last step we had done. We had find out the main steel, the distribution steel. Okay, so now let us continue with the design. So the next step is design of the toe slab. Has anyone tried the same way I told you? Jaise heel slab design kiya hai, in the same way we have to design the toe slab also. So first draw the figure jo iske pehle jo maine draw kiya tha, same figure draw karo and show the loading on the toe slab. ठीक है, टोस लैब के ऊपर जो लोडिंग आ रहा है वो शो करो. ठीक है, सेम फिगर ड्रॉ करो पहले. Okay, so this figure, so the sixth step is design of the toe slab. So write down the sixth step, design of toe slab. Okay, so you can draw the same figure like this. Okay, so here now tell me what is the depth of the foundation. ठीक है, ये हमने find out किया था. ठीक है, ये depth तो we know it is 425 and above that. ठीक है, above that we had the depth of the foundation. कितना है, anyone just tell me. ठीक है सर, ये टोटल डेप्थ इज हाउ मच. डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 1 मीटर, राइट? और ये वाला डेप्थ कितना है, यहां से लेकर यहां तक? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Five seventy five mm. ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपने को पता है. सो नाउ यहाँ पे इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, जैसे वेट ऑफ द सॉइल इतना भी, इधर भी है ना, वेट ऑफ द सॉइल कितने डेप्थ के लिए है, 575 mm के लिए वेट ऑफ द सॉइल है. और फिर बाद में ये वेट ऑफ द टू स्लैब भी एक्ट कर रहा है. So the same way, let us find out calculation of downward pressure. Calculation of downward pressure. ठीक है, यहाँ पे dimensions let us write down dimensions b. So this is 1 meter. This is 300 mm. So calculation of downward pressure में first we'll find out the वेट ऑफ द सॉइल. ठीक है, वेट ऑफ द सॉइल कितना हो जाएगा,
डेंसिटी इनटू डेप्थ कितना है 575, मतलब 0.575. सो 18 इनटू 0.575, गिव मी द वैल्यू. सेकंड, वेट ऑफ द टो स्लैब. सो डेंसिटी कितना है 25 और डेप्थ कितना है 10.35. हाँ ये तो सेम है पहले का, 10.35 करेक्ट. पहला वैल्यू बताओ, वेट ऑफ द सॉइल. ओके, वेट ऑफ द सॉइल इज 10.35. सो या 10.35 इज द वेट ऑफ द सॉइल एंड 10.625. ओके, 10. दिस इज 10.625. सो टोटल ओके, सो वी गॉट द टोटल डाउनवर्ड लोड. ठीक है, टोटल डाउनवर्ड प्रेशर. सो नाउ नेट प्रेशर एट सी. सो लेट अस फाइंड आउट, सी और डी पे चाहिए ना अपने को. सो देयरफॉर नेट प्रेशर एट सी विल बी, नेट प्रेशर एट सी विल बी कितना हो जाएगा, ये डाउनवर्ड है 20 एंड अपवर्ड कितना था सी पे. हाँ ठीक है, सो दैट वी हैव नॉट कैलकुलेटेड. सो यू विल हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेशर एट सी. ठीक है, सो जैसे मैंने बताया था इंटरपोलेट करके यू कैन फाइंड आउट. हाँ सो ठीक है, सो यहाँ पे ये सी है ना. सो दिस इज ए बी सी एंड डी. तो सी पे यहाँ पे यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू, और पहले बी पे भी निकालना पड़ा था. ठीक है, तो ये मैंने बताया था इंटरपोलेट करके वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके कैसे भी यू कैन फाइंड आउट. सो आई विल जस्ट गिव यू द वैल्यू, सो यू जस्ट क्रॉस चेक. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी, तो ये कितना है 20.975 एंड द नेट प्रेशर एट सी, जो अपवर्ड प्रेशर है, ये डाउनवर्ड है ना 20, अपवर्ड इज 75.26. ठीक है, सो यू जस्ट कैलकुलेट एंड क्रॉस चेक वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट. ओके, सो यू जस्ट कैलकुलेट एंड क्रॉस चेक दैट. सो दिस इज हाउ मच वैल्यू कितना आ रहा है, -54.285. -54.285 करेक्ट. सो माइनस है मतलब ये क्या है, अपवर्ड आ रहा है करेक्ट. सो इसका डायरेक्शन है अपवर्ड. अभी नेट प्रेशर एट डी, ठीक है, नेट प्रेशर एट डी तो डायरेक्ट वैल्यू है ना अपने पास. इधर कितना है डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, अपवर्ड कितना है डी पे, ये पॉइंट पे चेक करके बताओ. यस, ये पॉइंट पे कितना है डी पे, कितना टाइम 94.06 ना. यस सर, 94.06. सो व्हाट इज द डिफरेंस, गिव मी द वैल्यू. यस, राइट इन द चैट बॉक्स. अदर्स आल्सो कैलकुलेट एंड राइट इन द चैट. -73.085. -73.08. ओके, सो अगेन इसका मतलब क्या, दिस इज आल्सो अपवर्ड्स. सो अभी इसका डायग्राम कैसे आएगा. ठीक है, सो ये अपवर्ड्स है. सो एट डी ज्यादा है ना. ओके, सो दिस इज बेसिकली अपवर्ड प्रेशर. सो दिस इज D and this is C. तो अभी resultant let us say यहाँ पे act कर रहे हैं, and this is the X bar.
सो नाउ गिव मी द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, अभी बताया था आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी बाई टू इंटू एच, ए प्लस बी बाई टू इंटू एच. तो सी पे कितना है, 54.2 है. ठीक है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये डायरेक्शन के लिए है, इधर यू कैन राइट दी मैग्नीट्यूड ओनली, 54.285 और ये है 73.08. सो ए इज 54.285 प्लस बी 73.08 अपॉन टू इंटू एच. एच कितना है, एनीवन? ये वाला सी से डी से, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, राइट? 1 मीटर, हाँ, और ये पर मीटर. सो हाउ मच इज दिस? हेलो, यस यस, ऑल ऑफ यू कम बैक टू द टॉपिक. यस, सो yes, what we were doing, the last step, yeah. So has anyone got the value of the resultant? Yes, I have written everything, all the values. Just calculate and give me the value of the resultant. Okay. So we got the value of resultant. Now let us find out x bar. So let us find out x bar ka formula kya hai? A plus 2b upon a plus b into h by 3. So a is the smaller value, b is the bigger value. So 54.285 plus 2 into 73.08 upon 54.285 plus 73.08 into 1 by 3. This is how much x bar. And then you can find out the bending moment. So bending moment M is given by R into x bar force into distance. So this is 63.68 into x bar. So then find out factored bending moment, that is MU, which is nothing but 1.5 into the value which you are getting. X bar, anyone? Yes, quickly, you have to complete this numerical in this lecture. Anyone got the value of X bar? Yes, am I audible? X bar is 0.525. And what is the bending moment? R into 0.525. Yes, give me this value. Yes, why it is taking so much time to just calculate these? All of you should actually write the answer in the chat box. If you're attending DDRCS lecture, that means you have to attend with your Calci, with your notebook, everything. By just listening, it's not going to help.
33.42. And what is the factored bending moment? Okay, so we got the bending moment. So same way, once you get the bending moment, what is the next step? We will find out the main steel and distribution steel. Correct? So let us find out the main steel. So now, main steel MU is how much? 50.13. D कितना है? हील स्लैब का डेप्थ सेम ही है 425, और इफेक्टिव डेप्थ कितना है 375. सो देयरफॉर AST, गिव मी द वैल्यू, 0.5 इंटू FCK इंटू B इंटू D, स्मॉल D इज 375 अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU. MU कितना है? 50.13 इंटू 10^6 अपॉन FCK इंटू B इंटू D स्क्वायर, वेर D इज 375. यस, गिव मी द वैल्यू ऑफ AST रिक्वायर्ड एवरीवन. ठीक है, जल्दी क्विकली गिव मी दिस वैल्यू. एंड देन AST मिनिमम तो पहले फाइंड आउट किया था 0.12% BD, सो दिस विल रिमेन द सेम 510 mm square. Correct? So after this, select a suitable diameter and then find out the spacing. Yes, AST required, anyone got the value? ठीक है, नाउ टेल मी विच स्टील यू विल कंसिडर फॉर डिजाइन. AST रिक्वायर्ड 378 आ रहा है, AST मिनिमम 510 आ रहा है. सो विच स्टील यू विल कंसिडर फॉर डिजाइन, विच एरिया? यस, AST मिनिमम, करेक्ट. ठीक है, तो मिनिमम इससे ज्यादा है ना, तो मिनिमम कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? इससे कम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसका मीनिंग यही है. सो दिस इज द गवर्निंग स्टील. तो गवर्निंग स्टील कौन सा है? AST मिनिमम. सो लेट अस अज्यूम अ सुटेबल डायमीटर. सो लेट अस अज्यूम 10 mm डायमीटर. सो यूजिंग 10 mm डायमीटर बार्स, स्पेसिंग इज 5/4 into 10 square upon AST 510 into 1000. So, kitna aa raha hai spacing? Then next criteria 3D or 300 mm, whichever is less. Ye kitna aa raha hai spacing? Yes. So therefore, provide 10 tor at जो भी spacing आ रहा है, center to center. ठीक है? Yes, give me the value quickly. 154. चलो 154 mm आ रहा है. So let us provide 150 mm center to center. ठीक है? So now, if you pay attention, 10 tor at 150 इन द डिजाइन ऑफ हिल स्लैब भी यही आ रहा था स्टील. सो वॉट वी विल डू, तो सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्फोर्समेंट इन द हिल स्लैब इज 10 टॉर एट 150, सो वी विल एक्सटेंड दिस रीइन्फोर्समेंट फुल्ली इनटू द टो स्लैब. ठीक है, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इसका निकालते हैं. मेन स्टील तो मिल गया, सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. सो लेट अस प्रोवाइड. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इस पर डिपेंड करता था ना, तो सेम हो जाएगा अभी. So let us provide 10 tor at 150 center to center
as distribution reinforcement, as distribution, क्योंकि governing AST minimum governing criteria ना, तो इसके लिए distribution में भी 10 to 150 provide करेंगे and also as main reinforcement. So let us provide 10 turret as distribution and also as main reinforcement in both directions. Okay, so now the next step is design of shear key. Okay, so design of shear key. So what we will do, so let us provide, so we can directly write, let us provide shear key. Okay, so we know that it is provided right at the bottom of the stem. So let us provide shear key of size. Okay, stem ka thickness kitna hai junction pe? 300. To 300 by 300 mm ka exactly below the stem. To isme steel kaise rahega? So the main reinforcement from the stem will extend into the shear key. So the main reinforcement from the stem will, the main reinforcement from the stem will extend into the shear key. Is this clear, everyone? So now let us draw the reinforcement detailing. So now the last step is reinforcement detailing. Okay. ठीक है, तो ये मेरा शेयर की है. ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रोवाइड द स्टील. सो लेट अस प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट इन द बेस स्लैब. ठीक है, एंड दिस, और रीइंफोर्समेंट इन द स्टेम कैसे जाएगा? इधर से. तो वी आर एक्सटेंडिंग दिस इनटू द into the shear key. ठीक है, यहां तक इसको extend कर रहे हैं. ठीक है, और distribution reinforcement इधर से आएगा. ठीक है, तो ये main reinforcement है. तो अभी ये जो main steel है, इसका on this side भी reinforcement. Okay, so now tell me which steel, the main steel for stem. Stem ke main steel kitna provide kiya humne? So this is the main reinforcement for the stem. How much is this? So this is 16 tor at 100 center to center. Okay,
ठीक है, सो वी डोंट हैव मच टाइम, सो लेट अस कंप्लीट दिस रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग. ठीक है, सो दिस यू कैन जस्ट रेफर डिजाइन ऑफ द शेयर की. तो बेसिकली 300x300 हमने शेयर की प्रोवाइड किया है, और उसका मेन जो रीइंफोर्समेंट है वो स्टेम से एक्सटेंड होके शेयर की में जा रहा है. दैट्स इट. ठीक है, सो पे अटेंशन एट द रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग. ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स का रिमेनिंग. ठीक है, सो ये मेन स्टील है 16 टॉरेट 100, और फिर बाद में मैंने टॉप में कितना प्रोवाइड किया है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस, तो कितना था 16 टॉर एट 200 सेंटर टू सेंटर, और डिस्टेंस कितना था यहाँ से लेकर, ठीक है, सपोज यहाँ तक मेरा एच डैश का हाइट था. ठीक है, तो ये डिस्टेंस तक मैंने 200 प्रोवाइड किया है, और उसके नीचे मैंने 16 टॉरेट 100 प्रोवाइड किया है. ठीक है, एच डैश का वैल्यू लिखना है इधर, एच डैश नहीं लिखना है, ये वैल्यू मुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक. टेल मी दिस वैल्यू. सो नाउ, ठीक है, तो ये वाला स्टील सब डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो ये जो सर्कल किया हूँ, ये वाला और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, एंड दिस इज हाउ मच 10 टॉर एट 200 सेंटर टू सेंटर. ओके, तो स्टेम का पार्ट हो गया. सो नाउ कमिंग टू द हील स्लैब. हील स्लैब में मेन रीइंफोर्समेंट किधर रहेगा, टॉप में. ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर, सो टॉप में कितना प्रोवाइड किया था हमने, 12 टॉर एट 150. ठीक है, जस्ट चेक, 12 टॉर एट 150, और बॉटम में कौन सा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी डॉट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये कितना था, 10 टॉर एट 150 सेंटर टू सेंटर. ठीक है, अभी इसका मेन स्टील किधर है, बॉटम में, टो स्लैब का, तो इसका भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 10 टॉर एट 150. तो इसको क्या करेंगे, यही जो स्टील है उसको एक्सटेंड करके इधर तक लेके आ जाएंगे. ठीक है, सो वही मैंने लिखा था यहाँ पे. तो इसको देखो, एक्सटेंड मैंने एक ही बताया है, तो इधर लिख सकते हो तुम लोग वापस 10 टॉर एट 150. अगर इधर डिफरेंट स्टील आ रहा है तो डिफरेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अभी अपने केस में सेम आ रहा है, और ये टॉप में भी कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे भी 10 टॉरेट सेम ही प्रोवाइड किया है, 150. ओके, एंड दिस, इसका मैंने डेप्थ कितना कंसिडर किया है, 300x300 का शेयर की प्रोवाइड किया है, करेक्ट, 300x300 mm. तो यू कैन राइट द डायमेंशन. और ये तो सेम ही है, ऊपर से एक्सटेंड होके मेन स्टील एक्सटेंड किया है मैंने इधर तक, तो ये कितना है, 16 टॉरेट 100 सेंटर टू सेंटर. सो दिस इज योर रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग. This is the section. I hope this is clear everyone. If anyone has any doubt in this, you can ask me. ठीक है, और इसका अगर मैंने at the inner face of the stem, ठीक है, reinforcement at the inner face of the stem, अगर मैंने बताया तो इसको मैं ऐसा बता सकता हूँ. ठीक है, so this is nothing but the reinforcement in the inner face of the stem. ठीक है, तो सपोज ये कटेलमेंट के हाइट के ऊपर है, तो ऑल्टरनेट बार्स को कटेल किया ना मैंने, अंडरस्टूड. तो इसका स्पेसिंग कितना है, 200, और ये कितना है, 16 टॉरेट 100 है. कौन सा, ये, दिस इट इज 16 टॉरेट 100. ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 10 टॉरेट 200, ये वाला. ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल 10 टॉरेट 200, और ये 16 टॉरेट 100, और ये वाला जो स्टील है, दिस इज 16 टॉरेट 200 सेंटर टू सेंटर. सो दिस इज नथिंग बट रीइंफोर्समेंट एट इनर फेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, स्टेम का फेस का मैंने रीइंफोर्समेंट दिखाया है. तो एक कर्टेलमेंट करेंगे ना, एज अ हाइट जो है स्टेम का, तो इधर तक मैंने कर्टेल कर दिया, फिर ऑल्टरनेट बार्स को ही मैं एंड तक लेके जा रहा हूँ. तो इसका स्पेसिंग
16 टॉरेड 200 है, इसका 100. ओके, इज द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग क्लियर टू एवरी वन? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी. Okay, so with this we have completed the design of a cantilever retaining wall. So in this we will we have one more type, one with surcharge or one with inclined backfill. Okay, so that we will see in the next lecture. So in the next lecture I will give you the question and you will have to solve. Okay, so isme sirf slight changes hai, baki rest of the procedure will remain the same. Surcharge mein sirf extra load aayega surcharge ka, baki sab design procedure same hai. इंक्लाइंड बैकफिल में क्या आएगा, सिर्फ उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट करना है बस, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर विल रिमेन द सेम. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ओके, फाइन. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिजाइन ऑफ अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. Okay.